राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव समेत इंडी गठबंधन के सभी बड़े नेता पीएम मोदी को बयान के माध्यम से घेरते नजर आते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने विपक्ष को एक दहाड़ में ही सलटा दिया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के सीमांचल में पहुंचे तो हिंदू ध्रुवीकरण का नया दाव खेलकर विपक्ष को उन्हीं के अंदाज में जवाब दे दिया। बता दें, शुक्रवार को बिहार के अररिया में चुनावी सभा करने पीएम मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने इंडी गठबंधन के नेता खासकर राहुल गांधी पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। तो वहीं पीएम ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर देश में आरक्षण की व्यवस्था करनी चाहती है, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं। कांग्रेस इसकी शुरुआत कर्नाटक से कर चुकी है और अब कर्नाटक वाला मॉडल पूरे देश में लाना चाहती है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पीएम मोदी के भाषण ने जनता का दिल जीत लिया। 10 मिनट तक कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल को पीएम समझाते रहे और कर्नाटक में कांग्रेस ने किस तरीके से मुसलमानों को रातों रात ओबीसी का दर्जा दे दिया, इस पर भी बताया। वहीं से लेकर के कुछ लोगों का ये भी कहना है कि विपक्ष ने जिस तरीके से विकास के मुद्दे को डाइवर्ट कर संविधान और आरक्षण के खतरे की बात को दोहराई है, ऐसे में कुछ वोट तो पीएम के खाते में ही जाएंगे। अब ऐसे में अंदाज़ा लग रहा है कि वोट कटना तय है। इसी के साथ आपको बता दें, सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्र में एकमात्र अररिया ही ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट मैदान में हैं। ये पूरा इलाका मुस्लिम बकुल इलाका है, ऐसे में हिंदू ध्रुवीकरण के लिहाज से ये सबसे मुफीद इलाका हो गया है। पीएम अक्सर यहाँ से ध्रुवीकरण का कार्ड खेलकर हिंदू वोटरों को गोलबंद करने की कोशिश करते हैं। इस बार उन्होंने हिंदू मुस्लिम करके हिंदू वोटों को गोलबंद करने की कोशिश की है। मेरा रिपोर्ट, न्यूज़ पीआर लाइव, पटना।